हे गाइस, के हाल, इट्स मी एटॉमिक। स्वागत करते हैं आप सभी का स्काई ब्लॉक के चौथे एपिसोड में। और आज हम करने वाले हैं बहुत सारा फन, तो वीडियो को एंड तक देखें और चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि गाइस हम आज की वीडियो शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो मेरे सामने अचानक से एक रैंडमली चिकन स्पॉन हुई थी यहाँ पे। ओके ओके, चिकन तो स्पॉन हुई थी पर वो गई कहाँ? हेलो चिकन जी, हराम खोर, चिकन नीचे गिर गई। अरे नहीं यार, चिकन कहाँ गई यार? चिकन भाई, माँ कसम, चिकन स्पॉन हुई थी। मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों से, चिकन हुई थी यार स्पॉन। यार ऐसी मतलब कहाँ गायब हो गई? इसका मतलब मेरी चिकन मर गई और मेरे पास सिर्फ चिकन की अस्थियां हैं इस टाइम। यार चिकन मैं तुझे याद रखूंगा और तेरे द्वारा दिए गए सामान को मैं यहाँ रख देता हूँ। वेल, चिकन तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अब अपने को चाहिए ये मकड़ी रानी। अब करूँगा खत्म मैं तेरी कहानी, थैंक यू। अरे यार सही, इस बार इसने अपने को स्ट्रिंग्स दिए। साला भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक, ये वाला एरिया मेरा तुम देख सकते हो भाई, क्या क्रीपर ही स्पॉन होंगे यहाँ पे, कुछ और नहीं हो सकता। हद है यार, और मेरा फूड बार फिर से लो हो गया। मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता, बार बार भूखा हो जाता है। ये भूखे नंगे खानदान से आए कैसे बंदा। अब मैं इतनी रात को करूं क्या? तो गैस मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि अपन क्यों ना आज एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे अपन लोग अपने ये शीप वगैरह स्पॉन कर सकें। तो उसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें वापस रख दूँ और ये बकेट ले लेते हैं। और अपनी पिकैक्स कहाँ गई? हेलो जी, मेरी पिकैक्स दे दो मुझे, पहले इसे तोड़। ओ भाई नीचे लावा है, मैं भूल गया, इसे भर लो, ये बहुत ज्यादा कीमती है अभी के लिए तो मेरे लिए। इसको मैं कहाँ रखूँ? बट यार अपनी चेस्ट फुल हो गई सारी, अपने को एक अलग से स्पेस बनाना पड़ेगा चेस्ट वगैरह रखने के लिए। तो मैं जल्दी से ये पानी इसके अंदर वापस रख देता हूँ और इसको तोड़ते हैं। एक कोबल स्टोन, धन्यवाद आप लोगों का। अब गाइस देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने को इधर डर्ट की आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है? ये डर्ट अपन किसी और काम में भी ले सकते हैं, तो इसको मैं वापस निकाल लेता हूँ। पूरी डर्ट खोद लेते हैं। हाँ ट्री के बीज मिल गए मुझे, पम्पकिन के सॉरी मेलन के सीड्स मिल चुके हैं मुझे, तो मैं इनको यहाँ रख दूँ। बाई लक अगर अपन गिरते हैं तो अपने पास मेलन वेस्ट नहीं होगा अपना। अब ये सोच रहा हूँ मैं इसको ऊपर वाले को कैसे खोदूँगा, क्योंकि ऊपर वाले पे मेरी चेस्ट है और मैं गलती से भी अपनी चेस्ट फोड़ के उसका सारा सामान निकालना नहीं चाहूँगा। चलो देखते हैं अपन कैसे कर पाएंगे ये। वेल, जितना हिस्सा मैं ले सकता हूँ उतना तो लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि चेस्ट टूट जाएंगी, बट ठीक है मैं इनका कुछ करूँगा, देखूँगा क्या हो सकता है। देखिए गाइस हमारा सारा सामान हवा में झूल रहा है। मैं इसके नीचे ये लगा देता हूँ, फिर इसका देखेंगे अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए डर्ट हटा के पूरे में मैं ये कर दूंगा। ओ बेटा अपने पास बहुत डर्ट हो चुकी है, हराम खोर कुत्तों ने जिंदगी हराम कर रखी है कतई। साला पूरे दिन बैठे रहेंगे पर रात होती जैसे मेरी इनको पता चले कि रिकॉर्डिंग हो रही है। हरामी कुत्ते, क्या है बताऊं यार, भौंकते हैं साले हराम जाते, दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने यार। और हाँ ये कैसे भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने, काम धंधा नहीं है यहाँ, स्पॉन हो जाते हो बार बार।
आराम करो, तुम्हारे लिए अलग से स्पॉनर उधर बनवाया, इधर क्या मुझे रोने के लिए स्पॉन हो रहे हो? जोंबी मेरे दिमाग को खराब करते हैं यार, क्या करूं। तो ठीक है, इतना कर लिया। अब इधर एक ये लगा देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हो जाएगा अपना पानी के लिए। तो यहाँ तक आएगा पानी, और एक यहाँ, इसमें आ जाएगा लावा, बीच में बनेगा कोबल स्टोन। ठीक है, ठीक है, पानी ला के चेक कर लेते हैं, एक काम कर रहे हैं या नहीं। पर पहले ये वॉल कवर कर दूँ, वरना मेरी आज कवर तैयार है, मेरा मातम पक्का मानेगा इधर। इसको पूरा कर लेता हूँ पहले, भाई काम कर ले ठीक से, क्या दिक्कत है। हाँ सही है, लावा ले आते हैं। अब एक ही लावा है, गलती से वो अगर ऑब्सीडियन में बन गया ना भाई, दिमाग खराब है फिर मेरा, क्योंकि मेरे पास लावा का दूसरा रिसोर्स भी नहीं है। ओके चलो ठीक है, इसके ऊपर एक काम करते हैं अपन, यहां से करूंगा ताकि अपने को अपना ब्लॉक वापस मिल जाए। ओके ठीक है, इतना ठीक है। तो ये हो गया गाइस अपना कोबल स्टोन जनरेटर रीडिजाइन। तो खा जाएगा मेरे कोबल स्टोन को आराम खोर, इस तरह ले लेंगे। ठीक है, अपने पास कोबल स्टोन जनरेटर ओके हो चुका है अपना। यहाँ पर एक ये लगा देते हैं। यार ये क्या चक्कर है, इतनी किससे भीड़ लगा रखी है भाई तुम लोगों ने, हैं? कुराड़ी देके मारू तुम्हें? मर मर यार, मेरा माँ कसम इस क्रीपर ने इतना दिमाग खराब किया हुआ है ना, मैं बिल्कुल परेशान हूं इनसे। आराम खोरों ने जिंदगी ना रखी हुई है मेरी, क्या यार। चलो अब ये आए हैं तो बॉल कंप्लीट कर लेते हैं। यार ये बंदा गोल्डन आर्मर में है, तो इसे मारूंगा तो शायद मुझे गोल्ड नगेट मिल जाएगा, संभावना है। यार ठीक है, तो एक काम करते हैं इसे तोड़ लेते हैं, क्या पता ये गोल्ड नगेट लेके आ जाए। भाई आ जा, मार रहा हूँ तेरे को। ठीक है, गोल्ड नगेट नहीं दिया ना, तेरा पूरा खानदान को बदबू दूंगा मैं। साले खाने को पहले कुछ नहीं है, और तू और मेरी हेल्थ बची कुछ खा जा, ऐसे नहीं चलता। ओ बेटा, बिल्कुल ठीक डिसीजन था गाइस मेरा उसको मारने का, जैसा आप देख सकते हो। हमें थोड़ा टूटा बट एक हेलमेट मिला। अब हम इसको फर्नेस में पिघलाकर एक गोल्ड नगेट हासिल कर सकते हैं, ये बहुत कमाल की बात है। मैं इसको यहाँ रखूँगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कीमती है। वैसे तो मैं इनको भी रख देता हूँ, इसको रख लेता हूँ, गेट बनाएंगे अपन। तो अब एक काम कर लेते हैं अपन, डार्ट ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं। इधर जाके एक अपन इस तरफ ले जाकर एक एनिमल स्पॉनर बना देते हैं, जहाँ पे अपना एनिमल स्पॉन हो पाएंगे। तो मैं भाई ऊपर आन दे, क्यों मतलब पंगे लेना जरूरी होता है क्या हर बार? यहाँ बनाते हैं, यहाँ से चलो। अरे मेरी बॉल गिर गई यार, चिपक के रहना है यार मुझको, मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं, आज आज मूड खराब है मेरा थोड़ा, पता नहीं क्यों, साला बर्बाद ही हो रही है मेरे साथ आज सुबह से, और कुछ नहीं है। और ये पानी कहाँ से जा रहा है? अच्छा उस तरफ से, तो इस पे मैं एक और ये लगा दूँ, और उसके बाद जो भी अपना काम है उसको तरीके से करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं।
ओके ये ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अंदर डर्ट भरना स्टार्ट कर देते हैं अपन। चलो ठीक है, आ जा बेटा तू वापस आ जा। और अब मुझे गेट्स बनाने हैं, फेंस गेट इसके लिए। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। और अब अपना सामान अपन इसके अंदर रखेंगे ना कि उधर, तो इनको लगा जाता हूँ मैं जल्दी से, ताकि मेरा कोई भी एनिमल सीप वगैरह जो भी स्पॉन हो तो वो नीचे ना गिर जाए, इस बात की ध्यान मुझे रखना होगा। अब गाइस मुझे नहीं पता अगर कि इधर मैं अगर टॉर्चेस लगाऊं तो क्या मेरे एनिमल्स भी स्पॉन होना बंद कर देंगे, मैं नहीं जानता। तो अपन इधर कुछ भी नहीं लगाते, जैसा है वैसा रहने देते हैं इसको। अगर नहीं होते हो जाएंगे तब तो दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद एक बार नहीं लगा के देखेंगे, और मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए वो। अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है ये इतना हो गया, ये मैं बाहर से लगाऊंगा। ओके नाइस, अब ये ठीक है, ताकि पेड़ समझ के भी वो आए खाने। ओके तो जी हाँ गाइस, आज का अपना काम कंप्लीट है। अपन ने आज दो काम पूरे किए, एक अपन ने अपना ये पूरी ग्रास हटा दी यहाँ से, डर्ट जितनी भी थी सारी डर्ट अपन ने अपने एनिमल स्पॉनर में लगा दी। देखते हैं इसमें कब तक एनिमल आना स्टार्ट होते हैं, आई गेस कल परसों तक 3-4 पार्ट्स के अंदर एनिमल आना स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। और अपन ने अपने कोबल स्टोन जनरेटर की जगह बदल दी, जो मुझे अब ठीक लगी है। अपन ने अपनी सिक्योरिटी और ज़्यादा इन्हेंस कर ली है। अपन लोगों ने पूरा एरिया अपन ना इससे कोबल स्टोन वॉल से कंप्लीट कर दिया है। आई गेस अब तो अपने को बेनिफिट मिलना ही पड़ेगा। तो जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।